आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई। और संदीप जी, मैंने आपको रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है, आप सेशन को रिकॉर्ड कर ले। रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करने के लिए आपको प्रेस करना है अल्ट प्लस आर, अल्ट प्लस आर। अब हम बात करते हैं आज की सेशन की। आज हम बात करेंगे पावर बीआई। ये हमारी पावर बीआई की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको पावर बीआई को डाउनलोड करना, उस पर आईडी वगैरह बनाना सिखाया था, राइट? और आप डाउनलोड करके आईडी वगैरह बना लीजिएगा और फिर उस आईडी को लॉगिन कर लीजिएगा। जब आप पावर बीआई फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके सामने इसी तरह का विंडो आएगा। अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो इस तरह का दिखेगा। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। लॉगिन करना जरूरत इसलिए है क्योंकि जो ये तो आपका पावर बीआई डेस्कटॉप है, जो रिपोर्ट बन रही है वो आपके सिस्टम पे है, लेकिन रिपोर्ट को शेयर करने के लिए और भी बहुत सारी चीजों करने के लिए हमें इसको वेब एप्लीकेशन पे ले जाना होता है। तो वेब एप्लीकेशन पे तभी जाएगा जब आपका ये लॉगिंग होगा, तभी वो ये इस वेब पे प्रेस करेगा। हाँ, मैं आपको लॉगिन, आपको इसकी आईडी, इसकी जो अकाउंट जो है पावर बीआई पे अकाउंट बनाने के लिए ऑफिशियल आईडी चाहिए हो। हाँ, तो आप पावर बीआई, जैसे लास्ट टाइम बताया था कि पावर बीआई की साइट पे जाके साइन अप करके एक आईडी बना लीजिएगा। फिर उस आईडी, जो वहां आईडी जब बन जाएगी, उस आईडी को यहाँ पे लॉगिन करना है आपको, ठीक है? लॉगिन करने के बाद सामने इस तरह का विंडो आएगा जिसमें कुछ वीडियोज होंगे, ट्यूटोरियल वीडियोज है जिसमें देख रहा है कि बिलिंग रिपोर्ट्स, क्वेरी एंड व्यू कॉन्सेप्ट, अपलोडिंग योर रिपोर्ट्स एंड क्रिएट योर फोन रिपोर्ट्स, राइट सर? और उसके अलावा वी ऑल वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग वीडियोज आपको दी जाएगी। तो यहाँ वी ऑल पे कीजिएगा तो इसकी पूरी ट्रेनिंग वीडियोज आपको दी जाएगी, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे आपको वर्ड्स न्यू, इसके बारे में जो आपके ब्लॉग्स वगैरह है तो स्टूडियो, ये तो ट्यूटोरियल से रिलेटेड हुई। उसके अलावा यहाँ पे गेट डेटा, रिसेंट सोर्स, और यहाँ पे जो आपकी फाइल लोड की हुई उसका होता है। अब गेट डेटा का मतलब क्या हुआ? तो पावर बीआई के पास अपना खुद का कोई डेटा बेस तो होता नहीं है, वो किसी डेटा को ही इम्पोर्ट करके फिर उसके ऊपर रिपोर्ट क्रिएट करता है सर, क्या सर? तो ये रिपोर्ट जो क्रिएट कर रहा है ये उसका ये है, वो है कि उस डेटा की बात कर रहा है जो रिपोर्ट क्रिएट कर रहा है। एक मिनट, कुछ डेटा देख रहा हूं मैं अभी। तो यहाँ आपको ये बताता है कि डेटा जो है वो कहाँ से लेना है। तो यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक कर दे, या फिर यहाँ से आप क्लोज करेंगे तो ये आपका व्यू दिखेगा। तो व्यू में समझिए ये आपके ऊपर मेनू बार है, ठीक है? अब इस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा तो आपका मेनू बार हाइड हो जाएगा। तो मान लीजिए आपने जैसे ओपन किया और मेनू बार हाइड है, मेनू बार नहीं है, इस पर क्लिक करने से आ जाएगा। और इसको फिक्स करना है तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दीजिए तो ये आपका फिक्स रहेगा। उसके अलावा ये जो आपका इंटरफेस है, जहाँ पे ये आपका कैनवेस एरिया है जहाँ पे रिपोर्ट बनेगी, ये जो होता है यहाँ पे कैनवेस की इसके लिए उसकी जो नोट्स होते हैं उस नोट्स एरिया है। ये आपका फिल्टर्स एरिया है कि जो रिपोर्ट्स बनेगी उस पर फिल्टर्स आप अपना अलग अलग डिफाइन लगा सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये विजुलाइजेशन है कि आपकी रिपोर्ट के लिए कौन सा किस तरह का चार्ट या विजुलाइजेशन आप ले सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी फॉर्मेटिंग क्या क्या होनी चाहिए। और ये आपका फील्ड,
फील्ड किसका? जो डेटा आपने कनेक्ट किया है उसका फील्ड। उसके अलावा यहाँ पे तीन व्यू होंगे, ये आपका आता है रिपोर्ट व्यू, जो आपको दिख रहा है इसको रिपोर्ट व्यू कहते हैं, और इसके नीचे आपका डेटा व्यू, इसके नीचे आपका मॉडल। मॉडल मतलब कि जैसे कि आप एक से ज्यादा डेटाबेस को आप यहाँ पे रख सकते हैं। और जब आपने एक से ज्यादा डेटाबेस लिया हुआ है तो एक से ज्यादा डेटाबेस में आपको क्या क्या आना चाहिए, मैं उसके बीच उनके बीच में क्या क्या कनेक्टिविटी होना चाहिए, जिससे किस किस तरह का डेटा और क्या क्या होना चाहिए, उस चीजों की डिसाइड यहाँ पे हम डेटा मॉडल में करते हैं। तो तीन व्यू है आपके पास, पहला है आपका रिपोर्ट व्यू, दूसरा है डेटा व्यू, और तीसरा आपके सामने है रिलेशनशिप व्यू। उसके अलावा आप जैसे कि एक रिपोर्ट्स के लिए एक पेज है, और यहाँ अनदर रिपोर्ट्स के लिए एक और पेज ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे सीट आप ऐड करते हैं उतनी यहाँ पेजेस आप कर सकते हैं अपलोड। और आप कौन से पेज में और कितने पेजेस हैं इसका व्यू यहाँ नीचे टाइटल बार में दिखाता है। और दूसरा जैसे कि इसको पावर बीआई को अपडेट वगैरह करना है, तो इसका यहाँ पे दिखेगा कि भाई अपडेट आ गया, इस पे क्लिक करके अपडेट कर लीजिए। और व्यू में आपके सामने एक फाइल मेनू बार है, ये आपका फाइल मेनू बार है, दूसरा होम है, व्यू है, मॉडलिंग है। अब क्या क्या होता है फाइल मेनू बार में आपके इस रिपोर्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ओपन करना, सेव करना, सेव एज करना, डेटा लेना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह यहाँ पे होता है। अगर होम में आते हैं तो होम में आपके रिपोर्ट से रिलेटेड सारे चीजें हैं। व्यू में आपको व्यू, जो आपके रिपोर्ट की जो व्यू है, जैसे ग्रिडलाइन करना है, लॉक ऑब्जेक्ट को लॉक करना वगैरह वगैरह यहाँ पे होता है। मॉडलिंग में जैसे कि कैलकुलेशंस वगैरह, फील्ड की कैलकुलेशन, रिलेशनशिप, उससे रिलेटेड चीजें होती है। तो इसमें ज्यादा कोई मेनू बार होता नहीं है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि रिपोर्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम होता है डेटा को इंपोर्ट करना। तो गेट डेटा पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ रिसेंटली यूज या फिर मोस्ट यूजेस कमांड दिखेगा, जैसे एक्सेल से, पावर बी डेटाबेस से, पावर बी डेटा फ्लो से, एसक्यूएल सर्वर से, डेटाबेस से, टेक्स्ट, वेब, ओडेटा फीड एंड ब्लैंक। लेकिन जब इसके मोड पे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे पूरी कैटेगरी वाइज ऑल फाइल से, डेटाबेस से, पावर प्लेटफॉर्म से, जूरे से, ऑनलाइन सर्विसेज से या अदर सर्विसेज से कैटेगरी के हिसाब से बटा हुआ है। तो इसके ऊपर हम आगे आपके साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि एक कोई एक डेटा को कैसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, हम फाइल हाँ ये रहा आपका ऑनलाइन, जैसे शेयर पॉइंट है, हाँ, सेल्स फोर्स भी है, अजूरे भी है, गूगल एनालिटिक्स है, फेसबुक का है, लिंक्डइन का है, ठीक है ना सर। और डेटाबेस अगर आपके पास डेटाबेस जैसे एसक्यूएल हो गया, आईबीएम का हो गया, सैप का हो गया, हाँ, एक और आता है एक्सेल ओसूल, में आता है इसका रसिया का कंपनी है। हम फाइल पे आते हैं और नॉर्मली तो हम सर एक्सेल से ही लेते हैं, तो चलिए हम नॉर्मली एक्सेल से कनेक्ट करते हैं। एक्सेल लिया और मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे लोकेशन आता है फाइल का, लोकेशन हमने सेलेक्ट किया एंड ओपन किया, ठीक है सर। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप अपना डेटाबेस सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे जरूरी नहीं, अब देखिए क्या इसको क्लिक कर दिया, एक्सेल की तरह बिल्कुल होता है सर, तो यहाँ पे लोड एक्टिवेट नहीं हुआ। मैं फर्स्ट टाइम कभी इसको किया था तो मैं भी चौंक गया था, लोड क्यों नहीं हो रहा है। फिर मैंने इसको पढ़ा तो मुझे पता चला कि पावर बीआई में आप एक से ज्यादा डेटाबेस को लोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ चेकबॉक्स पे आप क्या बोले, एक से ज्यादा डेटा को, एक से ज्यादा डेटा शीट को, मतलब एक्सेल के मान लीजिए ओपन किया फाइल में अगर 10 सीटें हैं, एक से ज्यादा सीट्स को आप कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिस जिस सीट को आपको कनेक्ट करना है उस सीट का आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना होगा और फिर इसको लोड पे क्लिक कर दीजिए।
आपका लोड हो जाएगा। ठीक है सर? अब लोड हुआ तो यहां देखिए इसके फील्ड्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं फील्ड्स? जी हाँ हाँ तो ये डेट यहां इस पे आएंगे तो आपको यहां पर डेटा भी दिख जाएगा पूरा का पूरा। तो पावर बीआई में होता क्या है, मेनली यही होता है कि हम देख लेंगे और यहां पे अपने पिवट टेबल की तरह अपने रिपोर्ट को उठा के रखिए और यहां पर अपना विजुलाइजेशन सेलेक्ट कीजिए कि आपका पीवट कैसा दिखना चाहिए और एक डेटा पे कई सारे एंगल से भी बना सकते हैं, जैसे P1 का आ गया और फिर मैंने वापस नेम यहां रखा और फिर वापस P2 का कर दिया और इस पे विजुलाइजेशन हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और वापस इसको हमने अब इसमें आपको मान लीजिए कि टोटल नहीं है, कैलकुलेशन करनी है तो पिवट टेबल इसमें कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मॉडलिंग में जाके न्यू कॉलम्स हमने यहाँ पे दिया टोटल और टोटल में हम यहाँ पे पूरे फील्ड को P1 P1 प्लस P2 प्लस नहीं नहीं सर, फिर कॉलन है ना सर, कोई एड्रेस थोड़ी है। इसके कैलकुलेशंस के बारे में आगे हम और भी विस्तार से बात करेंगे, मैं आपको एक तरह से डेमो दे रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक लेता हूँ जिसमें मैं टोटल और नेम लेता हूँ सेल, उसके बाद मैं यहाँ पे रिपोर्ट किया इसमें मैंने टोटल को डाल दिया उसके अलावा मैं यहाँ पे वापस इसी को लेता हूँ नेम को डाल देता हूं। एक मिनट, यहां से फिर फिल्म जी आपका रिपोर्ट तैयार हो। ठीक है सर, यहां पे रिपोर्ट की हेडिंग देनी है तो होम में आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स यहां पे डेली प्रोडक्ट वाइज है तो इसकी साइज को यहां से बड़ा कर लीजिए, मान लीजिए मैं 20 कर देता हूं। ठीक है सर, अब इस रिपोर्ट को मैं यहां से पब्लिश कर देता हूं। पहले इसको सेव, पब्लिश करने से पहले आपको सेव करना पड़ेगा,
डेटा का नाम अभी यहाँ पे सिंपल माय वर्क स्पेस में हम यस आपके अब इसको यहाँ राइट क्लिक करके इसको ओपन भी कर सकते हैं, लिख लीजिए ये आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई को पहले, लेकिन साइन अप साइन इन करने के लिए बोल रहा है। मैं दूसरा पावर बी आई लॉगिन आ गया, अब फाइल में हम आते हैं, यहाँ पे पब्लिश ऑन द बेल पब्लिश द रिपोर्ट वे आस्क द पावर बी एडमिन अलाउ द की टू पब्लिश टू द इमेल कोड अबाउट द पब्लिश रिपोर्ट। ओके इसको पहले ही करना पड़ेगा, एडमिन को चेंज करना पड़ेगा, मैं इसको बाद में चेंज कर लूंगा। यहाँ पे आ गया, पब्लिक पे पब्लिश कर सकते हो आप, पावर पॉइंट में एक्सपोर्ट कर सकते हो, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना, और किसी को शेयर भी कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, शेयर विद मी में आप जिसको भी शेयर करोगे उसका आप समझ जाएगा आपका, और जितने भी रिपोर्ट्स होंगे सारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके तो ये आपका पावर बीआई का इंट्रोडक्शन था। अब पावर बीआई डाउनलोड करके आप रिपोर्ट ऐड कीजिए, फिर वो रिपोर्ट बनाइए, तो फिर आगे हम इस चीजों पे बात कर लेंगे, ठीक है सर।